और ये केमिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम क्लास है और इसमें आप देख रहे थे जहाँ तक हमने कर दिया था उससे आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे हेलो एरिन या हेलो बेंजिन, इसके बारे में हम देख रहे थे। हेलो एरिन या हेलो बेंजिन में हमने क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप जो है उसके बारे में हमने देख लिया था। फंक्शनल ग्रुप जो है उस मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो उसके नेचर के बारे में हमने देख लिया था। कार्बन हैलोजन बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड, इसके नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसके नेचर कैसी होती है, वाइन क्लोराइड में ये किस प्रकार से डिफरेंट है, कैसे ये होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें वाइनिल में यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो वाइनिल हैलाइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खाली दो बनती है और उन दो में जो डबल बॉन्ड की नेचर वो खाली 50% होती है, जबकि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन देखी थी, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनती है और 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आता है। इस कारण से हम देखेंगे इस रीजन से कि जो डबल बॉन्ड की नेचर है वो मोर देन 50% हो जाती है, मतलब 60% जो है वो डबल बॉन्ड की नेचर है। 60% डबल बॉन्ड की नेचर होने के कारण उसमें इसी के कारण उसमें जो डबल बॉन्ड की नेचर बढ़ जाने का बॉन्ड लेंथ जो 1.60 आ रही थी, तो इसे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा और उस पर आवश्यक जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन, किसकी हेलोबेंजीन की, मेथड ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए देखते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन, हेलोबेंजीन हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है हेलोबेंजीन की। तो फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो इसके लिए आपको बेंजीन जो है उसकी रिएक्शन, ये बेंजीन पूरी 11th क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं, इसके रिएक्शन यदि हम X2 के साथ फॉर एग्जांपल में शेयर करते हैं तो X2 के साथ करवाते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया HCl3 की प्रेजेंस में, HBCl5 की प्रेजेंस में और इसी प्रकार से हम यदि इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं HBCl3 की प्रेजेंस में, तो इनकी प्रेजेंस में यदि हम करवाते हैं HBCl3, HCl3, HBCl5 तो यहां पर हैलोजिनेशन हो जाता है। हेलोजिनेशन से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता आपका क्लोरीन एटम, ये बन गया और ये क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो, क्लोरोबेंजीन जो है इसका फॉर्मेशन हो गया है। किससे बेंजीन क्रिएशन से करवाते हैं तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है किसकी, बेंजीन की, ये करवा देते हैं। इसकी मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको डिटेल से ऑफलाइन क्लासेज में 11th में बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा यदि मैं इसे यहाँ पर बता दूँ तो आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं कि ये बेंजीन इस पर यदि हम ड्राई HCl3, HBCl3 या HBCl5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो होता ये है कि जैसे HCl3 ले लिया या HBCl3 लिया हुआ तो HBCl3 से बता देता हूँ मैं, HBCl3 में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एलिमेंट है और इसकी रिएक्शन यदि हम Cl2 के साथ करवा दें तो HBCl4 Cl+ और क्लोरोनियम आयन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्लोरोनियम आयन जो है वह स्टेट फर्स्ट में तो ये हुआ, ये बताई हुई चीज है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फास्ट में ले रहा हूँ। स्टेट फर्स्ट में तो ये बन गया क्लोरोनियम आयन। अब ये क्लोरोनियम आयन जो है इसका अटैक जो है वो जिस कार्बन के ऊपर होगा उसी पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे और ये मैं आपको 11th में ऑफलाइन क्लासेस में करवा चुका हूँ।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो जहां पर भी अटैक करेगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट कर देगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा बॉन्डिंग के लिए, और हमारे पास ये बन जाएगा एक इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट जो है उसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर क्रोमियम आयन जो है वो जुड़ गया है, अटैच हो गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर फर्स्ट ये सॉरी इसमें एक इंटरमीडिएट बन गया है, यह इंटरमीडिएट टू रेजोनेंस रेजोनेंस के थ्रू यह स्टेबल होगा। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल कैसे होगा, ये पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, उसके बाद अगले पोजीशन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर बाकी आइडेंटिटीज रह जाएंगे, और अगली कंडीशन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड होगी, जब हम एडाइवर्स अलग करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है थर्ड होगी, तो उसमें हम देखेंगे HCl और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। वापस ये जो इंटरमीडिएट बना ये रेजोनेटिंग तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और उनके थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इस रेजोनेंस को आपने देखा था कि मैंने इसे कहा था बाउल रेजोनेंस, कटोरा बाउल, बाउल रेजोनेंस कटोरा बना दिया, बाउल रेजोनेंस कहा था जिसे एक बार बोर्ड जो है उसकी साइज इतनी है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लें और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आप देखें। मैं एक बार बता देता हूँ, स्टेप फर्स्ट में हेलोनियम आयन बनता है, स्टेप सेकंड जो है उसमें कार्बोनियम इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोनियम आयन कार्बन के पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया, और उसके बाद स्टेप थर्ड लेंगे। इसके लिए हम ये हमारे पास इसकी मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म पढ़ रहे थे हम, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट ले ली, स्टेप सेकंड ले ली, अब मैकेनिज्म आगे बढ़ने के लिए मैं इसे जो रिएक्शन हूं उसे हटा रहा हूं। यदि आपको स्पीड लगे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार बीच में वैसे भी देख सकते हैं, रोक सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो वीडियो जो उसकी साइज छोटी रखनी जरूरी है, जिससे आसानी से आप अपलोड कर सकें और आसानी से पढ़ सकें, इसलिए थोड़ा सा स्पीड देना जरूरी हो गया है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म में, इसका जो इंटरमीडिएट बना उसका यदि हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो बना करके देखें, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड को हम जो थ्री लाइन्स हैं उनके थ्रू इससे अलग करेंगे, तो इसे अलग करते हैं तो हम देखेंगे कि जो कॉमन चीज है वो ये सब में कॉमन है, तो HCl ये लगा दिए कॉमन है, बाकी डबल बॉन्ड जो वो घूमता रहता है, तो इस डबल बॉन्ड को यदि हम घूमता रखें इसलिए डॉटेड लाइन से लिखेंगे, तो आप देखें कि बाउल शेप में है, इसलिए बाउल रेजोनेंस के थ्रू ये है स्टेबल हो जाता है इंटरमीडिएट। और ये जो बाउल रेजोनेंस है इसमें यदि हम देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है और ये इंटरमीडिएट बना। अब क्या होगा, स्टेप थर्ड जो है वो देखते हैं, स्टेप थर्ड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड बनेगा उससे आगे ले लेंगे, तो उससे आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड को लेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड जो है वो ये है, एज इट इज बना देते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये है HCl, इसमें ये होगा कि यह H जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को छोड़कर के अलग हो जाएगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन जो है वो है बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मैंने इसे आपको मैकेनिज्म को सॉल्व में लिया है क्योंकि आपको पहले भी करवा चुका हूँ, मैं आपको ये पहले करवा चुका हूँ इसलिए सॉल्व में लिया है, आप इसे पूरा लैंग्वेज के साथ लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे स्टेप फर्स्ट में आप लैंग्वेज जो है वो दोगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, स्टेप सेकंड में आप जो लैंग्वेज है वो दोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम इंटरमीडिएट, और स्टेप थर्ड में आप जो हेडिंग है वो दोगे
रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन का हटना जो है वो इसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो है वो बंद कर आ जाएगा इसमें स्टेप थर्ड में आप ये करवाई मैंने इसलिए मैंने शॉर्ट में लिए हैं और आपको शॉर्ट में बता दिए। तो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हमने पहले देखी थी, इसी प्रकार से बाकी भी हम फॉर्मेशन जो कर सकते हैं बीआर टू लेकर के और ब्रोमोमेथेन बना सकते हैं वगैरह या बीआर टू शेयर टू लेकर बीआर टू लेते इसके प्रेजेंस में भी लेते हैं तो भी हो जाएगा और इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे और इसका फॉर्मेशन जो है वो कार्बोनेट का हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो लेते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन अगले देखते हैं। अगली मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वह है ये है फ्रॉम रेडिएशन सेकंड जो है वह है फ्रॉम BDAC। ये BDAC क्या है? ये BDAC क्या है? BDAC की फुल फॉर्म जो होती है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होती है। ठीक है, देखता हूँ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है और ये BDAC से BDAC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDAC फ्रॉम BDAC। क्लियर। अब यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDAC जो है उससे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ BDAC करना पड़ेगा। तो इससे इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ BDAC यदि हम करें तो एनिलीन जो है जो आप ले लेते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह ले करके बुक बार बताया हुआ था NH2 ले लें तो ये है एनिलीन जो है उसकी रिएक्शन यदि हम एज NH2 के साथ करते हैं इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन जो है वो 273 से 275 केल्विन तक रखते हैं और किसी ये भी कह सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे करवाते हैं तो रेडिएशन बन जाता है N2+X-। यदि यहाँ क्लोराइड तो Cl- क्लोराइड लेकर Cl-। इसके लिए आप देखिए एक बार ये बन गया BDAC। इसमें कैसे देखते हैं एक बार देखिए यह रिएक्शन टाइम पर जो है वो उसका फॉर्मेशन किया जाता है कैसे बनता है इसके लिए आप देखिए इसके लिए हम इसकी रिएक्शन जो है वह NaNO2+HCl से करवाते हैं। NaNO2+HCl लेते हैं तो HNO2 का फॉर्मेशन हो जाता है और NaCl जो है वो रिमूव हो जाता है। ये बन गया हमारे पास BDAC। इससे ऊपर टेम्परेचर यदि हम लेंगे तो यह डिकम्पोज हो जाएगा और फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ऊपर यदि हम क्या करते हैं टेम्परेचर रखते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाती है और फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाएगा और ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर कंडीशन जो है वो ये रखते हैं। अब BDAC से कैसे बनाए BDAC से बनाने के लिए अब BDAC कैसे बना आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये लिया हमने BDAC। अब BDAC रिएक्ट विद यदि हम देखें तो BDAC रिएक्ट विद CuCl2HCl इसके साथ करवाते हैं तो मैं HCl को लिख देता हूँ HCl इससे करवाते हैं तो रिएक्शन जो होगा नेम रिएक्शन होगी सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू ये फॉर्मेशन हो जाएगा और सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन।
सेंडवेयर रिएक्शन में यदि हम देखें तो हम यदि CO2 Br को एंड HBr लेते हैं तो उस कंडीशन में ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। डू का मतलब यही ऊपर वाली साइड वाली, तो क्या बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन रिएक्शन इसलिए साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो तो उस कंडीशन में आप एन टू ब्रोमो साइड प्रोडक्ट के रूप में एन टू ब्रोमो निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर कॉपर पाउडर के साथ इसे हीट दे देते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वह कहलाएगी वाटरमैन रिएक्शन। वाटरमैन रिएक्शन और वाटरमैन रिएक्शन जो है उसके थ्रू हमारे पास बन जाएगा CO के साथ जो करते BDS के साथ तो क्लोरोबेंजीन एंड टू निकल जाएगी धन्यवाद बस एंड टू। नेक्स्ट यदि हम आयोडोबेंजीन इससे बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर के आई के साथ रिएक्शन करवाते हैं आयोडोबेंजीन। अब आगे आप कहोगे कि बीडीएससी से फ्लोरोबेंजीन, हाँ बिल्कुल फ्लोरोबेंजीन बनाई जा सकती है, ये आयोडोबेंजीन है। ये रिएक्शन भी आएगी आगे लेकिन मैंने लिख दी है फ्लोरोबेंजीन HBr4 के साथ रिएक्शन करवा करके और दो टेट्राफ्लोरोबोरेट जो बनता है इसका बीडीएससी का साल्ट तो उससे हम गर्म कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इतना ही है तो आप इतना देखिए फ्लोरोबेंजीन भी बनती है इसमें और फ्लोरोबेंजीन जो है वो आगे हम नेक्स्ट लेंगे बीडीएससी जो है वो आगे पढ़ेंगे और देखेंगे तब देंगे। इस प्रकार से आप देखोगे कि बीडीएससी के थ्रू भी हम हेलोबेंजीन जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हो गया हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये बीडीएससी के थ्रू हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लास्टिंग प्रोसेस, थर्ड जो है वो देखते हैं ब्लास्टिंग प्रोसेस। मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, नेम रिएक्शन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन रिएक्ट विद HClN हाफ होता है HCl, यहां पर H होता ही है लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, HCl प्लस हाफ होता है। ध्यान दें CuCl2 की प्रेजेंस होगी ना CO2Cl2 की, तो ये ध्यान रखना CuCl2 की प्रेजेंस लेते हैं। और अब आप देखिए H2O जो है उसका यहां पर रिमूवल हो जाता है H2O और Cl हो जाता है, ये आ गया आपका Cl और किस राशि प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन जो है वो बन गया प्लस H2O क्लोरोबेंजीन। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूं, आप लैंग्वेज यदि लिखना चाहो तो इसे इसी प्रकार से लिख सकते हो बेंजीन रिएक्ट विद HCl एंड हाफ ऑफ टू इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन और इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये थोड़ा सा आप देखते चौकोगे तो चौकना नहीं, एक बार देखें हुंस डिकर रिएक्शन। हुंस डिकर रिएक्शन अब आप कहोगे पीछे आ चुकी है नेम रिएक्शन है तो पीछे आ चुकी यही होगी, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये नेम रिएक्शन है और मैं मानता हूँ पीछे आ गई, लेकिन वहाँ पर यह हेलो एल्केन बनाने में काम में आई थी, यहाँ पर यह हेलो एरिन या हेलो बेंजीन बनाने में काम में आई थी।
रिएक्शन वही है उसी प्रकार से होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजोइक एसिड हो साल्ट और बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये क्या है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसका हमें साल्ट लेना है सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट में तो हम मोइस्ट H2O ले सकते हैं और इसकी जगह हम AgOH ले सकते हैं, तो ये लिए लेते हैं, तो इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, साल्ट प्लस वाटर जो है वो बन जाएगा और यहाँ पर क्या देगा साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके रिएक्शन यदि हम Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में यहां पर ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और प्लस AgBr प्लस CO2 और ये ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन में हम फॉर्मेशन कर सकते हैं ब्रोमोबेंजीन का। तो इस प्रकार से मेथड ऑफ फॉर्मेशन की हमने देखी, टोटल मेथड ऑफ फॉर्मेशन फॉर विद मैकेनिज्म भी हमने देखी और ये अपने सिलेबस में यहीं तक है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम देखें इसकी तो हम देखेंगे कि यह है ऑयली, यह है ऑयली लिक्विड और सॉलिड, ये क्या है ऑयली लिक्विड और सॉलिड कलरलेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल है, सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देख सकते हैं, बट सोल्युबल नॉट सोल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, ये सोल्युबिलिटी देखते हैं, हम देखते हैं एमपीबीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मल्टी पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यदि हम देखें तो इसमें सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट जो है वह बढ़ता जाएगा कंपाउंड का भी, और इस कारण से इसमें जो सीक्वेंस होगा वो इस प्रकार से होगा, मल्टी पॉइंट लेने या बॉइलिंग पॉइंट लेने कोई सा भी लेने, आप मल्टी पॉइंट भी वही होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी
वही होगा। तो इस प्रकार से इसी सीक्वेंस में होगा, सॉरी इसी सीक्वेंस में होगा, बाकी ये जो वैल्यू देखे तो वो अलग अलग होंगी, सीक्वेंस के ही। तो इस प्रकार से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देखी इसकी और इसके बारे में आपने अच्छे से जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट लिखते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जनरली आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस जो हम वो लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस की फोर टाइप देते हैं, फोर टाइप केमिकल रिएक्शंस आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो इसमें आप फोर टाइप केमिकल रिएक्शंस के देते हैं। फर्स्ट जो वो आप जानते हैं बेंजीन रिंग होती है, तो कन्फर्मली इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कन्फर्मली है। तो ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वह हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो रिडक्शन हो जाए, तो ये रिडक्शन। फोर्थ यदि हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल की भी प्रेजेंस है इसमें, इसकी प्रेजेंस है न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो फोर्थ टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखिए एक बार हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रिडक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किसके थ्रू दी जाएंगे, किसके द्वारा दी जाएंगे, तो ये हम देखेंगे हेलोजन की रिएक्शन होगी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, यदि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाए, हाइड्रोजन जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाए किसके द्वारा, किसके थ्रू हो जाए, तो वो जो हाइड्रोजन उसका सब्स्टिट्यूशन किसी भी अदर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो जाए तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और मेटल के साथ रिएक्शन में हमने देखा था फिटिंग रिएक्शन इसमें आएगी, जो हम पहले भी देख चुके हैं, और फिटिंग रिएक्शन आएगी, जी आर बनेगा, ग्रीन आर रिएजेंट बनेगा, और अगली जो है वो उल्मान रिएक्शन भी इसमें आएगी, कॉपर मेटल के साथ होगी उल्मान रिएक्शन, और इस प्रकार से मेटल्स के साथ रिएक्शंस जो हैं वो होंगी। और यदि हम नेक्स्ट देखें रिडक्शन, तो ये हट जाए हाइड्रोजन और सॉरी हाइड्रोजन से हट जाए हाइड्रोजन एटम जो है तो वह रिडक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये न्यूक्लियोफाइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल जो हो सब्स्टिट्यूट हो जाए अदर न्यूक्लियोफाइल से, तो यह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वह कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आप एक बात देखिए, शुरू से आते हैं फर्स्ट हेडिंग जो वो लेते हैं, फर्स्ट हेडिंग जो है वो लेते हैं, इसमें बाकी रिएक्शन जो हो सीक्वेंस में हम पढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस पर चर्चा करते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके, या पिछले वीडियो में आपने देखा था मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाई थी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाई थी उसमें मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट इसे लिया था, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रेजेंस होने के कारण ये आरएच और ओ एन पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी बढ़ा देगा, जिसके कारण या जिसके रीजन से क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा जो है उस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका अटैक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वह बढ़ जाएगी। तो हम देखेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड जो बनाएंगे उसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर
हमने ये बना करके देख लिया, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आपका पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये हमने देखा था रिलेटिव स्ट्रक्चर, सेकंड ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ बनाते रहेंगे और लास्ट हमने रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया था। तो ये था, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव तीन बार, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था और पूरी रिंग में डबल बॉन्ड जो है वह रोटेट हुआ था। अब डबल बॉन्ड रोटेट हुआ था यहाँ पर और पूरे में, तो हमने रोटेट से ले लिया है। अब यदि हम देखें तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो है वह ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर है। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक जो हो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर हो, इसलिए इसका जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है, पहली बात तो ये प्लस आर इफेक्ट करता है। आपने देखा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह ऐड करता है बेंजीन रिंग में, इस कारण से इसका प्लस आर इफेक्ट होगा या पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा। पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा उसके रीजन से ही यह क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायलैक्टिक ग्रुप होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायलैक्टिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वह शो करता है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से जो इलेक्ट्रोफाइल है वह भी यहीं पर अटैक करेगा। अब इस कारण से ये ऑर्थो और पैरा डायलैक्टिक है, प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट है इसका, और इससे आप ये पूरा देख सकते हैं। ये क्लास जो है वो पहले ऑनलाइन क्लास में डिटेल्स पढ़ा सकता हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स न लेकर के इसे मैं शॉर्ट में लिख के आगे बढ़ा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कौन कौन से देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें पहली जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें सल्फोनेशन होगा किसका, हेलोबेंजीन का। मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोरोबेंजीन लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद ओलियम, ओलियम H2H2O7, और मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था यह फॉर्म है कंसंट्रेट H2SO4 की, और मैं आपको एक बार ध्यान भी दिला दूं कि ये इक्विलिब्रियम में होता है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, 2H2SO4 इक्विलिब्रियम में होगा H2H2O7 प्लस H2O, इसके साथ यह है इक्विलिब्रियम में होगा। तो चाहे ये ले ले कंसंट्रेट H2SO4 ले ले और चाहे ओलियम ले ले, ओलियम ले ले विद मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं 11 पे, तो वो 11 वाला पार्ट जो थोड़ा देख लें यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और वहां पर आप देखोगे तो आप देखोगे इसका प्लस आर इफेक्ट है, इसलिए जो SO3 SO3H+ जो है वह कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, और तो पैरा पर, इसलिए प्रोडक्ट जो हम ये बनेंगे SO3H एंड SO3H। अब यहां पर आप 1% भी कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा ध्यान देना, इनमें यदि प्रायोरिटी सीक्वेंस देखें तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, तो आप इसे हटा के मेन कंपाउंड को चूज करोगे, मेन कंपाउंड क्लोरोबेंजीन नहीं रहा, मेन कंपाउंड जो है वह क्लोरोबेंजीन नहीं रहा, इस चीज पर ध्यान देना, मेन कंपाउंड जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया है, ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप इस पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये इसका फॉर्मेशन हुआ यहां पर ऑर्थो क्लोरो
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा जो है वह है पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इनकी जनरल नेम होगी। और जो पैरा के लिए यदि हम पोजीशन दें तो इसे नंबर वन देंगे प्रायोरिटी सीक्वेंस में, इसे नंबर टू। नॉमन क्लेजर बहुत ध्यान से देख लेना आप, नॉमन क्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख लें। और यह जो है वह होगा 1 2 3 4, आगे बढ़े तो इसमें लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको साइड लोगों को तो बताई दी थी। अब थोड़ा सा ध्यान दें आप यहाँ पर कि यदि हम पोजीशन इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर एक मतलब अधिकतर स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नंबर ऑफ कार्बन वन दे देते हैं, तो वो वन नंबर ऑफ कार्बन को नंबर वन रह दें, और आप इससे नंबर वन जो है वो सल्फोनिक ग्रुप जुड़े हुए कार्बन को नंबर वन दें, और इस प्रकार से आप इसकी नंबरिंग जो है वो करते जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार, अदर रिएक्शंस जो हैं वो नाइट्रेशन रिएक्शन देंगे, नाइट्रेशन जिसमें आपने देखा था बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। आप जरूर इसे पढ़ करके आए और जरूर इसे अच्छे से देखें, और हो सके तो आप दोनों मीडियम की वीडियो जो है वो पढ़ सकते हैं, इससे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा और आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, जितना हो सके उतना देख लेना चाहिए, लैंग्वेज जो है वो दोनों ही अच्छे से समझ में आए आपको तो आपके लिए अच्छा है। नाइट्रेशन नेक्स्ट आप लोग हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन और फोर्थ एंड लास्ट रेडियोग्राफी, ये सब करवाए देगा आपको, तो आप इनको एक बार थोड़ा सा देख करके आ जाए, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ पाओगे, हर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ें। आलो यू थैंक यू सभी को, और वेरी वेरी थैंक यू, साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी जरूर दें।